कौन वीडियो एडिट करेगा, बहुत अच्छे होंगे कुछ होंगे हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बोलना चाहूंगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। आज की जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इसका नाम है How did Nepal become such a big Hindu nation? तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखते like, हैं, share, subscribe. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे लेके जाएं आज की वीडियो। एक ऐसा देश जिसे माना जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, एक ऐसा देश जहां नहीं बिकती कोई भी नशीली चीज, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिस पर कभी भी किसी विदेशी का आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग और नई पहचान बनाई है। आइए आज आपको बताते हैं नेपाल के सुनहरे इतिहास और विविधता से भरे कल्चर के बारे में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नेपाल के बारे में जानने से पहले आइए आपको नेपाल के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स बताते हैं। कहने को तो नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाल की बहुत सी ऐसी चीजें और कुछ ऐसी बातें जो आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाल में अलग अलग प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, और आपको बता दें कि वैदिक काल के रिकॉर्ड से ही नेपाल शब्द को लिया गया है। साथ ही साथ बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी दक्षिणी नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले गोरखा भी नेपाल की जमीन से निकले, और आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा देश है जहाँ की ज्यादातर जनसंख्या हिंदू है। इतना ही नहीं, नेपाल के 81% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र भी कहा जाता है। जबकि देश की मेन माइनॉरिटीज में तिब्बतन बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरांतस और क्रिश्चियन लोग हैं। आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। नेपाल अपने यहाँ के पक्षियों के लिए भी फेमस है। पूरी दुनिया के पक्षियों के लगभग 8% पक्षी इस देश में। जिन लोगों को बर्ड्स पसंद है वो इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं अगर हम नेपाल की ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है, और ये भौगोलिक रूप से यानी कि ज्योग्राफिकल फॉर्म से तीन भागों में बटा हुआ है, जो है पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। नेपाल का क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है, और वहीं जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3,30,00,000 है। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली है, और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के नए संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। इन सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में कुल 77 जिले। नेपाल देश की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से काफी मिलती जुलती है। नेपाल में नेपाली भाषा को छोड़कर मुख्य रूप से 6 भाषाएं और बोली जाती हैं, जो कि गुरुंग, तामंग, नेपा भाषा नेवा, गोरखाली, किराती और मगर है। तो ये तो थे नेपाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आइए बात करते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि नेपाल बहुत पहले अशोक साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। 3री शताब्दी में ही अशोक साम्राज्य ने नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 4थी शताब्दी में नेपाल राज्य ने समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया, और फिर 7वीं शताब्दी में नेपाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए तिब्बत ने हमला कर दिया और नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल के आंतरिक संघर्ष यानी कि बहुत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसके कारण नेपाल में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने लगी, और 11वीं शताब्दी आते आते नेपाल में ठाकुरी वंश के राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी के बाद नेपाल में मल्ल वंश का उदय हुआ। नेपाल में मल्ल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यक्ष मल्ल ने लगभग 1428 ईस्वी से लेकर 1475 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रसिद्ध शासक यक्ष मल्ल ने मरने से पहले ही राज्य का बंटवारा अपने बेटे और बेटियों में कर दिया था। इस बंटवारे की वजह से नेपाल काठमांडू और भात गांव के 2 राइवल स्टेट्स में बट गया, और आपस में ही झगड़े होने लगे। इन झगड़ों का फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी हिमालय के गोरखाओं ने अपनी मिलिट्री पावर को डेवलप किया और नेपाल को एक पावरफुल किंगडम के रूप में बदल दिया। 19वीं शताब्दी आते आते गोरखाओं ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की उत्तरीय सीमा से मिला दिया। अपनी सीमा को बढ़ाने के कारण 1814 से 1815 ईस्वी में नेपाल और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इस गोरखा युद्ध के बाद दोनों देशों में सुगौली की संधि हुई, जिसके मुताबिक नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भूभाग
ब्रिटिश सरकार को दे दिए। इसके साथ इस दौरान नेपाल में एक ध्वज संधि यानी कि फ्लैग ट्रीटी भी हुई, जिसके मुताबिक नेपाल की फॉरेन पॉलिसी उस समय की भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ नेपाल एक आजाद देश बना रहा। इसके बाद साल 1951 से 1960 में राजा महेंद्र पंचायत प्रणाली यानी कि पंचायत सिस्टम को लेकर आए। तब नेपाल में बहु पार्टी लोकतंत्र यानी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को डेवलप किया गया। उसके बाद 1990 में संसदीय सरकार को राजा महेंद्र के बेटे राजा बीरेंद्र ने बहाल यानी कि रिस्टोर कर दिया। इसके बाद तकरीबन 10 सालों तक नेपाल को कम्युनिटी माओवादी उग्रवाद जिसे कम्युनिस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी के नाम से भी जाना जाता है का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2000 में राजशाही की भी समाप्ति कर दी गई। अब तक नेपाल बहुत से राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर चुका था, इसलिए वहाँ की राजशाही खत्म होने के बाद वहाँ के शासकों ने नेपाल को एक संवैधानिक कंट्री बनाने का सोचा। इस दौरान नेपाल की दूसरी वैधानिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2015 में नए संविधान को प्रमोट किया था। वहीं सालों के राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। आपको बता दें कि नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट घोषित किया है। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। आज भी नेपाल के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वही माइनॉरिटी बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में संस्कृत के बहुत से हाथ से लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में नेपाल में संस्कृत को बहुत माना जाता था। वही दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत में भी नेपाल का जिक्र मिलता है, जिसमें कर्ण की जीत का उल्लेख मिला है। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल देश में जो राजा थे कर्ण, उन्हें जीतकर हिमालय पर्वत से नीचे उतर आया और फिर पूर्व की ओर आगे बढ़ा। इससे पता चलता है कि पुराने समय में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व्यू से नेपाल को भारत का एक हिस्सा समझा जाता था। नेपाल में बहुत समय तक नॉन आर्यन जातियों का राज्य रहा। मध्ययुग मिडिएवल पीरियड में राजनीतिक सत्ता मेवाड़ राजस्थान के राज्य वंश की एक शाखा के हाथ में आ गई। राजपूतों की शाखा मेवाड़ से मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए नेपाल में आकर बस गई थी। इसी क्षत्रिय वंश का राज्य आज तक नेपाल में चला रहा है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से बहुत से स्थानीय प्राचीन काल से अब तक हिंदू तथा बौद्धों के पुण्य तीर्थ रहे हैं। लुम्बिनी पशुपतिनाथ जैसी जगह भारतवासियों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि नेपालियों के लिए। ऐसा महाभारत काल में जब कुंती के पुत्र पांचों पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम ने भगवान महादेव को दर्शन देने हेतु विनती की। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन एक लिंग के रूप में दिए, जो आज पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कभी भी किसी ने नेपाल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन यह हिमाकत अंग्रेजों ने जरूर की थी। उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। नेपाल पर किसी भी बाहरी शक्ति का कब्जा ना कर पाने के पीछे कई वजह है, जैसे कि नेपाल एक विस्तारवादी साम्राज्य यानी एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर था, और गोरखा लड़ाकों ने अंग्रेजों को भी प्रभावित किया, जिसके नतीजन भारतीय सेना में आज तक गोरखा रेजिमेंट है, जो कि ब्रिटिश सेना में भी लड़े थे। अब देखिए, जब दो विस्तारवादी साम्राज्य भिड़ते हैं तो दोनों को ही कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ता है, और सुगौली की संधि उस संतोष को दर्शाती है। जहां अंग्रेजों ने तिब्बत का विचार त्यागा, तो वहीं गोरखा ने अवध का विचार त्याग दिया। अब अगर हम आज के नेपाल की बात करें, तो वैसे तो इस देश में टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है, और अक्सर लोग इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसीलिए टूरिज्म का नेपाल की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा नेपाल में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है। साल 2015 में लागू किए गए संविधान के बाद साल 2018 में नेपाल का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 28.8 बिलियन डॉलर हो गया था, और साल 2018 में ही 3% एनुअल ग्रोथ के साथ साल 2019 में ये 7.1% तक पहुंच गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते कैसे हैं, और क्यों भारत के लिए नेपाल एक इम्पोर्टेंट देश है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सदियों से चले आ रहे जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चरल
और इकोनॉमिक टाइज रिलेशनशिप्स के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ भी इनका एक जैसा कनेक्शन है। साथ ही नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा बनाता है, इसलिए कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी दुनिया से व्यापार के लिए रास्ता प्रोवाइड करने के अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी यानी कि ट्रेड पार्टनर है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दें कि नेपाल का लगभग 66% व्यापार भारत में ही होता है। तो दोस्तों, ये था नेपाल का इतिहास और वहाँ की संस्कृति की एक झलक। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और ये थी नेपाल की ऐसे तो ओवरऑल हिस्ट्री जो थी वही उन्होंने इस वीडियो में बता दी है। कुछ उन्होंने बता दिया है, बहुत कुछ बता दिया। नेपाल एक हिस्टोरिकल कंट्री भी मुझे लग रहा है, काफी पुरानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पर लोग जो रिलीजियस तरीके रिलीजियस वे से भी अगर हम लोग देखते हैं, वो ये बोल नहीं रहे थे कि महाभारत जो है उसमें भी नेपाल का जिक्र आया है। फिर इंडिया से भी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर जाते होंगे। वहाँ पर मंदिर भी है ना, बहुत ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जहाँ जो मतलब कि नेपालियों के लिए, क्योंकि नेपाल में भी हमें लगता था कि वहाँ पर जो दूसरे मजहब के लोग है ना वो ज्यादा रहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हिंदू 80% हिंदू रहते हैं। और अगर फीसद के हिसाब से देखते हैं तो नेपाल ऐसा फर्स्ट ऐसा देश था जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू मतलब कि रहते थे। हाँ, और बहुत से लोग जो है ना वहाँ घूमने के लिए हर साल बहुत से लोग जाते हैं। और माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, हाँ, नेपाल में ही है। उसको सर करने के लिए लोग केटू पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे है, लेकिन वो नेपाल में है, नेपाल जो में सबसे ऊंची पहाड़ी है ना। बहुत से लोग जो है ना हर साल मरते भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी लोगों को क्रेज है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा थे। और वैसे बहुत ही खूबसूरत कंट्री है ये वाली, और इसका पहाड़ी इलाका है ज्यादातर, पहाड़ी इलाका है और लैंडलॉक कंट्री है, समंदर किसी साइड से नहीं लगता। चाइना के साथ भी लगता है ना उनका, एक तरफ से इंडिया के साथ, चाइना के साथ। मुझे लगता था कि हमारे मुल्क, लेकिन हमारे मुल्क के साथ नहीं इनका लगता नहीं, ना ये तो इंडिया के वो दूसरी साइड पे आ जाता है ना, जहाँ पर बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश वाली साइड पे, वहाँ पे ये बंगाल जो इंडिया का राज्य है उसके पास आ जाता है। और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और आबोहवा भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो बोल रहे थे कि मतलब कि बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है इस मुल्क की, और हाई स्पीड से ऊपर जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत अगर देखने में आए ना तो उनकी आबादी इतनी ज्यादा है और एरिया के हिसाब से भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बस स्मॉल अच्छी कंट्री है। हाँ, लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि आज तक जो होता है ना कि बहुत ही ज्यादा होता है कि लोग आए उन्होंने हमला किया, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है वहां पर आज तक किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने बोले थे ट्राई किया था, लेकिन उनकी जो आर्मी थी या फिर उनके जो भी सोल्जर्स वगैरह उस टाइम पे थे उन्होंने मुकाबला किया, उनको एंटर नहीं होने दिया गया। नेपाल में होता है ना कि हुकूमत जैसे बोलते हैं कि किसी ने आके दूसरे मुल्कों से, तो हुकूमत जैसे इंडिया पे की है, तो वही बोलते थे कि हुकूमत वाला सिस्टम नहीं हुआ यहाँ पर, नेपाल ऐसा देश है कि वहां पर नहीं हुआ। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऐसी वीडियो थी, बहुत ज्यादा व्यूवर्स हैं जो कि नेपाल से भी हमें देखते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, हम आपको हर रोज ऐसे मिलते रहेंगे। और बहुत चीजें के लिए इतना है, उसका बहुत ज्यादा